की तैयारी जैसे जैसे चल रही है वैसी आपको बता दूं कि अयोध्या में अब 14 तारीख से लेके 22 तारीख तक रामकथा का भी आयोजन होने वाला है जी हाँ मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि यहीं पर अः रामकथा होने वाली है और उसकी तैयारी जो है वह जोरों शोरों से चल रही है आप मेरे सामने जो ये भव्य गेट देख रहे हैं ये आ, इसी तरफ से राम कथा के लिए जाने के लिए मार्ग होगा अगर वहीं हम बात करें तो इस कथा में जो श्री राम भद्राचार्य जी महाराज द्वारा इस कथा का जो है गायन किया जाएगा अगर वहीं मेरे उल्टे हाथ साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पंडाल है वो भी सच कर तैयार हो रहा है आपको बता दूँ कि जितने भी सेलिब्रिटी आएंगे जितने भी बड़े चेहरे आएंगे वो यहीं पर आ, यज्ञ करेंगे हवन करेंगे इस राम कथा में आ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं पर हमारा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस कथा में शामिल होंगे और उनके साथ साथ जितने भी बड़े चेहरे आने वाले हैं चाहे नेता हो या अभिनेता हो आ, सब इस आ, जो राम कथा है इसमें शामिल होंगे और मैं आपको बता दूं कि आ, इस राम कथा में जो मुख्य चेहरे रहने वाले हैं जो कि अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं अगर हम उनकी बात करें तो मालिनी अवस्थी चौदह तारीख को आएंगी और वहीं अगर हम बात करें तो सत्रह तारीख को हेमा मालिनी और 18 तारीख को कन्हैया मित्तल और मनोज शुक्ला जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसे हैं वो वो उन्नीस तारीख को आएंगे और जो अनूप जलोटा है वो बीस तारीख को आएंगे अगर हम बात करें आगे तो कुमार विश्वास जो है वो इक्कीस तारीख को आएंगे और जो मनोज तिवारी हैं रवि किशन है दिनेश लाल यादव है जिनको निरहुआ भी कहा जाता है वो 22 तारीख को आएंगे अब आपको एक सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि 1008 हज़ार यहाँ पर कुंड बनाए गए हैं यज्ञ के लिए क्योंकि यहाँ पर जितने भी बड़े चेहरे हैं सब आ, मिलकर यहीं पर यज्ञ करेंगे अंदर कितना काम हो चुका है क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं उन सब के बारे में आपको दिखाता हूँ बने रहिए मेरे साथ आपको मैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन गेट है वो राम मंदिर के जैसा ही बनाया गया है और आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी जो है काम है जो जोरों जो शोरों चल रहा है और ये जो पूरा डिजाइन जो है वो पूरा नक्शा जो है वो राम मंदिर के जैसा ही बनाया जा रहा है तो आइए मैं आपको आगे का और नज़ारा दिखाता हूँ जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम वहाँ पर अभी मौजूद हैं जहाँ पर एक आथ, जो हवन कुंड है वो बनाया गया है जी हाँ ये वही पंडाल है जहाँ पर नरेंद्र मोदी से लेकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं चाहे वो मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ जी वो यहीं पर और जितने भी बड़े चेहरे आ रहे हैं चाहे नेता हो अभिनेता हो या कोई भी हो वो सब मिलकर यहीं पर यज्ञ करेंगे आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो हवन कुंड है उसका आकार कैसा दिया गया है जैसे कि आप मेरे ऊपर देख सकते कि यहाँ पर जो बांस की लकड़ी होती है और उसको छाकर ये जो है ये बनाया गया है ऊपर अब मेरे ऊपर देख सकते कि यहाँ पर बाँस की लकड़ी से पूरा इसको कवर किया गया है और वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिट्टी जो मिट्टी होती है गीली मिट्टी उसको और ईटा से इन दो चीज़ों से यहाँ पर जो ये है हवन कुंड के लिए है वो बनाया गया है ये एक ये अलग तरीका हवन कुंड है भैया क्या इसमें कुछ खास है क्या हाँ ये नौ गिरे के कुंड बनते हैं बीच में और बाकी के चौकोर हैं बाकी के चौकोर हैं जो ग्रह होता है उनके एक अलग अलग कुंड बनाए जा रहे हैं हाँ ये हम इसे हर एक हर एक ही ये वैसे मनते हैं कि शास्त्र होते हैं इनके भी कोई अच्छा इनके शास्त्र के हिसाब से इनकी पूजा की जाती है हाँ पूजा तो एक ही होती है पाठ तो बने ये शास्त्रों के हिसाब से नाप चौक में अलग अलग है लेकिन आप टोल मतलब जो है कितनी लंबाई रहेगी कितनी चौड़ाई रहेगी ये पहले से पूरा फिक्स रहता है हाँ ये एक पिक्चर रहता है अच्छा, ये पूरे नौ है ये कौन सा ग्रह है ये त्रिभुज बोलते हैं इसको त्रिभुज ग्रह बोलते हैं जैसे ये वाला ग्रह है ये कौन सा ग्रह है ये भी बनने वाला है वो चौकोर कुंड बोलते हैं इसको चौकोर कुंड बोलते हैं और वो जो आगे जो गोला गोला सा बन रहा उसको इसको सूर्य बोलते हैं वैसे वो गोड़, गोड़ कुंड बोलते है सूर्य में होता है ये जो सूर्य भगवान का जैसा रहता है वैसा बनता है ये हाँ, सूर्य पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो धनुष वाला है, जैसे कि ये, ये वाला जो है भैया इसको क्या बोलेंगे हम लोग ये त्रिकोण त्रिकोण है त्रिकोण है ये वाला कौन सा है भैया ये वाला है किसी के संतान नहीं हो ऐसे हाँ। लोग वो बैठ सकते हैं इसके अंदर जोड़ा संतान मतलब जिसका संतान नहीं हो वो यहाँ पर आकर बैठता है बैठता है मतलब संतान फिर हो जाएगा। हो जाएगा जाएगा तो, कितना बढ़िया आकार बना ये, ये कौन सा कुंड लक्ष्मी कुंड लक्ष्मी मतलब खासियत है लक्ष्मी कुंड का कुछ बताएंगे तो होते हैं लक्ष्मी हो गया वो सटकौन हो गया ये पीछे तारा टाइप आ गया वहाँ पे पश्चिम की तरफ आ गया वर्थ कुंड वहाँ पे त्रिकोण आ गया फिर वहाँ पे वर्त आ गया चांद योनी कुंड आ गया चतरुस आ गया सामने अब ये आप रहने वाले कहाँ के हैं राजस्थान के हैं अच्छा आप राजस्थान से यहाँ पर आए तो आप ये कुंड बनाने का ही काम है आपका मतलब जो हवन कुंडल काम है भी ये कितने दिन में पूरा कम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि देखा जाए तो समय ज्यादा नहीं बचा तारिक, है। तीन तारीख में हो जाएगा तीन तारीख तक पूरा कम्प्लीट हो जाएगा और यहाँ पर कितने में आ रहे कुंड बन रहे एक बनेंगे मतलब पूरे यहीं पर है इसी पंडाल के नीचे ही है आ, पूरे आ, एक हजार आठ नीचे पूरे तो भैया आप यहाँ पर अंकल जी आप यहाँ पे क्या काम करते है यज्ञशा बना रहे हैं अच्छा यज्ञशाला जो है ये पीछे पूरा जो पंडाल बना हुआ है आप कितने दिनों से यहाँ पे दो महीने से दो महीने से अभी कितना काम बाकी है कितना दो तारीख कम्प्लीट कर देंगे इसको एक दो तारीख तक कितने लोग लगे हुए हैं यहाँ पे बीस लोग बीस लोग बनाने में लगे दस हो जाएंगे। लोग। कल द, दस आ रहा है इसमें सिरकी इस इस बास अच्छा बास से ही बना हुआ है ये बांस सिरकी कच्चा आप क्या करते हैं भैया यहाँ पे काम करते हैं मंडप बांध रहे हैं जो

ये दादा पूरा खाना जो है अकेले बनाते हैं कितना रोटी बना दी दादा अभी अभी तो तीस चालीस बनाई अभी बस तीस चालीस ही बनी है अभी, अभी ये इतना आटा बचा हुआ है अभी ये भी जी अके... अकेले बना लेते हैं अकेले अकेले बनाता हूँ सब्जी में क्या बनाया अच्छा, दाल बनाई अभी तो अच्छा दाल और रोटी और उसके साथ उसके साथ बस दाल ही है अच्छा मतलब बस दाल और रोटी थक नहीं जाते हैं इतना तीस चालीस लोग का खाना बनाना लेकिन बनाना जरूरी है खाली पेट, पेट नहीं सोना। हाँ. सुबह भी आप ही बनाते खाना सवेरे भी बनाता हूँ शाम को भी बनाता हूँ मतलब किसके तरफ है मालिक से मिल रहा है अच्छा, मालिक की तरफ से मिल रहा है तो सब्जी कम बनाते हैं है? नहीं पूरा बनाता है सब्जी हाँ कमी नहीं है बिल्कुल खाने पीने कोई कमी नहीं है कमी नहीं है मालिक से कोई चीज की परेशानी है यहाँ पर अभी राम जन्मभूमि में आप लोग काम कर रहे हैं आप लोगों को कैसा लग रहा है लग रहे हैं। बहुत खुश है भैया क्या बोलना चाहेंगे ये मोदी सरकार को है बहुत बढ़िया सरकार है मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है अच्छा कर रही है तो अभी देखा जाए तो प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है जी आपको मालूम होगा दो हजार चौबीस में तो किसको प्रधानमंत्री फिर से बनवा रहे हैं मोदी जी को बनाएंगे मोदी जी को ही बनाएंगे मोदी जी को ही क्यूँ आदमी बहुत बढ़िया है पर कांग्रेस तो बोलते बेरोजगार कर दिया देश लोगों को नहीं किया। नहीं किया नहीं किया बहुत बढ़िया काम किया मंदिर बनने को रोजगार मिला है, है। आपका कहना है अंकल जी किसको आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को मोदी जी को ही फिर ये इंडिया गठबंधन हुआ उसका क्या मोदी जी है जो है मोदी जी है मोदी जी ने मोदी अच्छा काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं जनता गुस्सा रहा है सब है। अभी उन्होंने देखो वापस ही ये ये गरीब लोगों के लिए वापस राशन फ्री किया है देखा जाए तो इंडिया का जो गठबंधन हुआ है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे राहुल गांधी छब्बीस तो एक पार्टी है एक तरफ है क्यूँकी आपके सब मोदी भक्ति हैं क्या मोदी भक्त हैं मोदी मोदी के नाम पे वोट देंगे या उनके काम पे वोट देंगे उनका वो जैसा कि आप ये देख सकते हैं जो गेट मेन गेट था उसका गुम्मत बनाया जा रहा है और ये भैया किस चीज से बन रहा है ये गुम्मत लकड़ी पलाई से लकड़ी और पलाई से और ये क्या कपड़ा लगाए गए क्या यहाँ पे और ये कितने गुम्मत बनेगा छः गुम्मत बनेगा कितना बन के तैयार हो चुका है चार चार गुम्बत तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मेन गेट जो है मैंने आपको दिखाया था उसका जो गुम्मत है वो तैयार हो रहा है अरे अभी क्या है दादा इसके ऊपर पुताई भी होगा क्या जी जी पेंट सब होगा अभी वाले व्हाइट कलर से होगा हो जैसे कि ये क्या है दादा ये बढ़िया गेट वेट बना है बड़ा क्या वो जो राम मंदिर बन रहा है वही है कितना बड़ा राम मंदिर बन रहा है ये भैया अच्छा, तो तो अच्छा, तो जो ये राम मंदिर का नक्शा है क्या आ, उसी राम मंदिर जैसा है सेम अभी जो है इसमें काम बाकी है अभी काम तो चल ही रहा है लेकिन जो है उसी के कॉपी किया जा रहा है लेकिन सेम तो नहीं दे पाएंगे इसलिए टाइम नहीं है उतना लेकिन स्ट्रक्चर जो है बाकी सेम है उसका बाकी सब सेम है बाकी, बाकी सब सबसेम अगर वही बात किया जाए तो जो अभी इसमें पुताई उताई बाकी है अभी और, और क्या क्या काम बाकी है इसमें इसके अंदर जो है अभी कार्विंग वगैरह बाकी है फिनिशिंग बाकी है पेंटिंग बाकी है ठीक है यही सब सारी चीज़ें बाकी है अभी अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है लेकिन अभी चल रहा है काम लेकिन है, है एक हफ्ता और लगेगा इसको फाइनल होने में अभी और क्या क्या है यहाँ पे तैयारियाँ बाकी हैं अभी यहाँ पे जो है ये देखिए सामने स्टेज की जो है तैयारियाँ चल रही है ठीक है ये जो है कथा जो है जी इसी के अंदर कथा होगा ठीक है बाकी आपने उधर दिखाई होगा कि जो है हवन कुंड वगैरह दिखाई आपने ये आपने दिखाई ये गेट दिखाई होगा यही सब सारी चीज या जो स्टेज बन रहा है वहीं पर मतलब मेन कथा होगा बाकी पर सबको बैठने के लिए दिया जाएगा हाँ जो स्टेज है स्टेज का सेटअप ये बन रहा है जो उसके ऊपर राम मंदिर की ही कॉपी किया जा रहा है जिसके अंदर कथा होगा अच्छा मतलब जो स्टेज का जो मुख्य वह रहेगा वो राम मंदिर के आकार का ही रहेगा सेम सेम जो ये देख रहे हैं यही ए सी की कॉपी ये स्टेज पे भी किया जा रहा है ये मॉडल बन रहा है कि जो इसको हवन कुंड में रखने के लिए ये वाला मॉडल हवन कुंड ये वाला मॉडल जो है हवन कुंड में रहेगा ओ वाला जो मॉडल बन रहा है वो स्टेज के ऊपर रहेगा जिसके अंदर बैठ के कथा करेंगे और ये सारे लोग यहाँ जो है वो कथा में जाएगा जैसे कि आपको बता दूं कि जो ये मॉडल है जो राम मंदिर जैसा बन रहा है ये मॉडल जो जहाँ हवन कुंड हो रहा है जहाँ एक 108 जो कुंड बनाया गया है वहाँ पर रखा जाएगा और उसके पहले मैंने आपको दिखाया था जो बड़ा वाला बन रहा है राम मंदिर वो जहाँ पे कथा होने वाली है वहां पर रखा जाएगा वो स्टेज जो है इसी के ऊपर स्टेज बनाया जाएगा मतलब जहाँ पर कथा वाचक जो बैठेंगे वो इसी के ऊपर बैठ के कथा करेंगे सही बोला ना भैया बिल्कुल 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 इतने कारीगर लगे हुए हैं टोटल मतलब देखा जाए पूरा राम कथा जो राम कथा होने वाली है हाँ जो है अभी जो फिलहाल जो है ढाई के आसपास लगे हुए हैं सारे लोग ठीक है बाकी और टीम बढ़ने वाली है कल से और टीम अभी और टीम कल से बढ़ने वाली है तो लगभग सौ डेढ़ सौ टीम कल कल से और बढ़ेगी अच्छा मतलब ये जो इंचार्ज है आप ही हैं यहाँ के नहीं ये हम जो है हितकारी इवेंट से हैं हमारी कंपनी का नाम जो है हितकारी इवेंट है हाँ। उस कंपनी के मैं आठ डायरेक्टर हूँ अच्छा। मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव हूँ तो अभी देखा जाए तो अभी और क्या क्या काम बाकी है क्योंकि अभी समय ज्यादा दिन नहीं रहा चौदह तारीख को यहाँ पे कथा होने वाली है हाँ तो अभी जो है हैंगर हमारा लग ही रहा है स्टेज लगना चालू हो गया है कल से मेरा स्टेज सेटअप लगना चालू हो जाएगा गेट मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो ही रहा है तीन चार दिन में और गेट मेरा तैयार हो जाएगा ठीक है गेट जो है फाइनल हो जाएगी बाकी टचअप वचअप तो चलता ही रहेगा जब तक काम नहीं ख़त्म नहीं होगा जब तक तो चलती ही रहेगा तो तो रहे बाकी जो है सब चीज़ जोर शोर जो से तैयारी है और सब चीज़ अंडर कंट्रोल है कंट्रोल से बाहर कुछ भी नहीं है कितने दिनों से तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर ये एक महीने से एक महीने से और कितने जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं कितने लोग अभी काम कर रहे हैं अभी प्रजेंट में यहाँ पर सवा दो सौ ढाई सौ के आसपास काम कर रहे हैं सवा दो सौ ढाई सौ उनको सबको आप ही मैनेज करते हैं जी बिल्कुल जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो बात किया या जो यहाँ के को डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत किया तो उनका यही कहना है कि आने वाली जो मुश्किल से दस तारीख तक यहाँ पर जो आ, स्टेज का काम हो गया चाहे ये और राम कथा का जितना भी काम है वो सब कंप्लीट हो जाएगा आपको मैं और बता दूं कि जो और आने वाले दिनों में सौ कारीगर और आने वाले हैं आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो इस कथा का स्टेज है जो कि वो पूरा जैसा राम मंदिर है वैसे ही राम कथा का जो स्टेज है वो बनाया जा रहा है सहयोगी गोविंद के साथ मैं आदित्य तिवारी